नरसिंहपुर, दिल्ली में सुलग रही किसान आंदोलन की आग अब नरसिंहपुर जिले जैसे छोटे इलाकों में भी पहुंच गई है। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील में किसानों ने एकत्रित होकर दिल्ली में विरोध कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। किसानों ने तेंदुखेड़ा में एक आम सभा को संबोधित कर एक रैली निकाली। इस रैली में किसानों ने अर्धनग्न होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और अगर किसानों की मांगें जल्दी नहीं मांगी जाती तो दिल्ली कूच करने का भी आह्वान किया। बाद में ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने अपनी बात रखी और बताया कि वह वर्तमान कृषि अध्यादेश में संशोधन चाहते जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश शामिल हो है और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे दिल्ली के किसानों को अपना समर्थन देने दिल्ली भी जाएंगे। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ नरसिंहपुर से राजाराम पटेल की रिपोर्ट। आपके संगठन द्वारा किया जाएगा? जी बिल्कुल, मतलब आज हमारा तेंदुखेड़ा में हुआ, जिला में भी करेंगे, प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड और जिले स्तर में करेंगे और दिल्ली जाने की भी हमारी योजना है। आगे पूरे कार्यकर्ता बैठकर उसकी भी योजना हम बना रहे हैं। आगे हमारे बड़ा कार्यक्रम हमारे गाडरबारा में भी रखा गया है। आदरणीय राव साहब, आदरणीय ब्रजेश भैया वहाँ से हैं, पूरी योजना आज उसकी बन चुकी। हम हर विकास खंड पर आंदोलन करेंगे और प्रत्येक किसान इसके लिए आंदोलित है, उद्वेलित है, क्योंकि ये पूरे किसान समाज की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं। तहसील से संबंधित राजस्व मामलों में विभिन्न प्रकार की उनके विसंगतियों के लिए और आरोप जो लगा रहे हैं कि यहाँ के पटवारी गड़बड़ कर रहे हैं, तहसील में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इस दिशा में सुधार कर पाएंगे? बिल्कुल, हम जो है यदि ऐसी कोई स्थिति है निश्चित ही हम सुधार करेंगे और सर्वे को काम होंगे, किसानों को बात ही नहीं आने देंगे। और बिजली विभाग में जो अवैध वसूली की बात सामने आ रही है, चर्चा करते हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है। सबसे बड़ी एक समस्या बिजली को लेकर रहती है और हर साल रहती है और ये मौसम किसानों को बिजली के लिए एक बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने वर्तमान में किसानों को जहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे अवैध वसूली की जा रही है, उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, इसके संबंध में क्या कहेंगे? आज भारतीय किसान संघ द्वारा एक तहसील में ज्ञापन दिया गया जिसमें विद्युत विभाग की 3-4 मांगे हैं, जिसमें उसको सुधारने के लिए और उच्चाधिकारी से बात करने के लिए निर्देशित किया गया है और उन्होंने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं जिनके उत्तर वर्ती जो अभी चल रही है योजनाएं जिसके बारे में अवगत भी कराया गया, जो नियम है उनके बारे में भी बताया गया है। कुछ उनकी जो प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना पहला जो मुद्दा है उनका, जो 2 साल पहले जो योजना थी वर्तमान की स्थिति में भी शासन द्वारा बंद कर दी गई है, उसको वापस चालू करने के लिए है, क्योंकि वो योजना में 4 लाख तक के काम होते थे, उसको जो किसान द्वारा अनुदान राशि उसकी जमीन के आधार पर ली जाती थी, वो मुख्य मांग है। दूसरी मांग उनकी ये है कि जो कमज़ोर किसान हैं उनकी पूर्ति ना की जाए, तो मांग को लेकर उच्चाधिकारी से बात की जाएगी। और तीसरी मांग है नए कनेक्शन के रेट के लिए, तो उसमें जो रेट हैं वो चस्पा कर दिए जाएंगे।